हेलो एवरीवन, दिस इज नाइस हियर। सो इट्स द 109th डे ऑफ 100 डेज एक्सटेंडेड सीरीज। एंड कल का पेपर का एनालिसिस करें यार, तो 27th का जितना पता चला और पेपर का वो क्या बोलते हैं मेमोरी बेस्ट वाला देखे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा नहीं आसान ही था, और मैथ्स का उतना पता नहीं यार। फिजिक्स में तो सब फॉर्मूला बेस्ड मैक्सिमम था, 2-4-5 क्वेश्चन छोड़ के वो तो होगा ही हर बार तो। और केमिस्ट्री में यार ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ज़्यादा फिजिकल से कम है, और फिजिकल से जितना है उसका बेसिक्स ही है, तो सब करके जाना जरूरी है। हर चैप्टर को टच करना जरूरी है, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं पड़ेगा। और जो कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में किया है बस मैथ्स का छोड़ के, क्योंकि मैथ्स में मेरे को कुछ नहीं किया है तो इसलिए वो किस तरह का पेपर था वो भी पता नहीं चला उतना मेरे को। लेकिन सुन रहे हैं ईजी और मॉडरेट में ही है तो वो हम लोगों के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। मैथ्स टफ रहेगा थोड़ा मेरा शिफ्ट में ना, तो मेरे को फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि तुक्का में 15 मार्क्स भी आएगा, उसका 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा टॉपर लोग का भी, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं यार हम लोगों का समय क्या होता है। तो लेकिन हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में 27th का केमिस्ट्री में और जीओसी से 3 क्वेश्चन आया था, और केमिकल बॉन्डिंग से 2, वो बॉन्ड ऑर्डर से आया था, पोलैरिटी पोलर नॉन पोलर से आया था, वो सेकंड शिफ्ट में आया था पोलर और नॉन पोलर भी, तो वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। पोलर नॉन पोलर, मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, फिर वो क्या बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर्स, बॉन्ड एंगल, और वो क्या बस ये था मैक्सिमम इससे था, और ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा से डी एंड एफ ब्लॉक वाला देख लेना है। और बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेसिक से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। और फिर सेकंड शिफ्ट में बात करें तो सेकंड शिफ्ट में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा था और इनऑर्गेनिक का ही ज़्यादा था, यही दोनों मिलाकर फिजिकल थोड़ा और ज़्यादा कम हो गया था इसमें सेकंड शिफ्ट में। और इसमें भी बहुत ईजी था, मतलब आप मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन बनाए थे तो कम से कम 15 दोनों में 30 क्वेश्चन तो आराम से बना देते फिजिक्स केमिस्ट्री से, और जिसका अच्छा है वो 20 भी बना सकते थे। अब देखते हैं हम लोग के टाइम में कैसा रहता है। एंड ऑल द बेस्ट यार, बस यही है, इजी आ रहा है, बस रिविज़न अच्छे से करना है जितना पढ़े उतने से, एंड वी गोना डू इट गुड यार। उतना भी प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि पेपर उतना हार्ड नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा तो चलेगा क्योंकि पढ़े तो हैं यार उस सब। सो डैट्स द केस, जो भी ये देखें आप भी देखे हो गए उससे ज़्यादा रिविज़न करना है। सो रिविज़न ही आप करना है यार आज, उसके बाद कल तो 29th का होगा, फिर हम लोगों का 30। सो ऑल द बेस्ट यार, चलो रिवीजन करते हैं सबको मिलकर। थैंक यू सो मच।